बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आरा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आरा। सेज बिछाई रुच रोच के, एही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आरा। सेज बिछाई रुच रोच के, एही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आरा। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब विसा। नीमक नारी क्यों होए सके, रूह निस्बत हक जा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आरा। इश्क सुराई ले हाथ में, पिलाओ आठो जा। इश्क सुराई ले हाथ में, पीलाओ आठो जा। अपनी अंगना जो अर्श की ताई, दीजे अपनो ता। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आ। खिलवत खाना जो अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा जी श्याम। मस्ती दीजिए अपनी जो गले, तो हो या ही ठा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आरा। कहे महामत अरवा अर्श से, जो कोई आए होए उतर। कहे श्री महामत अरवा अर्श से, जो कोई आए होए उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके चले अपने घर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आरा। सेज बिछाई रुच रोच के, एही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल
दिल है तुम आए करो आरा, तुम आए करो आरा, तुम आए करो आरा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी। प्रणाम सुंदर साहब जी, कब से पांचवी भूमि की शोभा देख रहे हैं। पांचवी भूमि की शोभा देख रहे हैं, खुद को प्रथम भूमिका में 28 स्तंभ के चौक में पहली चौरस हवेली 251 हवेली, सीढ़ी वाले मंदिर से पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी भूमि में आ गए। पांचवी भूमि में इन उत्तर द्वार से, सीढ़ी वाले मंदिर के उत्तर द्वार से निकल के इन मध्य गली को पकड़ लिया। अब यहां से नाक की सीध में आगे चलना है। पहला फिरावा चौरस हवेली का पार करेंगे, दो थंबों की यहाँ तीन गली, मध्य गली से चलते जाएंगे दाएं बाएं हवेलियों की शोभा देखते हुए। पहला चौरस हवेली, जो पहला हवेली का फिरावा आया है, जो पहला चौरस हवेली का फिरावा पार किया, मध्य गली से चलते जा रहे हैं। फिर दूसरा फिरावा गोल हवेलियों का आता है, ये पार किया। इस तरह से चौरस गोल इन फिरावों को पार कर लेना है। 8 फिरावे चौरस गोल के पार हुए, नवा फिरावा ये पंचमहल का, नवा फिरावा ये पंचमहल का, और यहाँ पर 28 मंदिर की फुलवारी, तीन चौकों की तीन हारे, 28 मंदिर की फुलवाड़ी, तीन चौकों की तीन हारे, इन मध्य चौक की शोभा देखनी है और इन मध्य चौक में पहुंचना है। तो जैसे ही पंच मोहल्ले को पार करके इन 28 मंदिर की फुलवाड़ी में आए, ठीक सामने जो मंदिर मिलेगा उससे भीतर चल जाए और दौड़ते जाएं, सीधा जाके रंग परवाली मंदिर में जाके खुद को महसूस करेंगे। तो ये एक सीधा रास्ता हुआ रंग परवाली मंदिर में पहुंचने का। रसोई की हवेली के उत्तर द्वार से निकले, मध्य गली को पकड़कर नाक की सीध में सीधा चलते जाएंगे, खुद को रंग परवाली मंदिर में पाएंगे। अब इन तीन चौकों की तीन हारे, ये तीन चौकों की जो तीन हारे आई हैं, तीन चौकों की तीन हारे, ये सभी चौक 210 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं, और ये नवो चौक समान रूप से शोभायमान है। सभी में समान रूप से चौक आए हैं, हवेलियां आई हैं, दोपड़े टुपड़े चौपड़े सब शोभा समान है। रंग परवाली की मंदिर की शोभा मध्य चौक में आई है, और हमारे शयन के मंदिर भी मध्य चौक में, जो शयन की लीला होती है, अलौकिक शयन की लीला, इन मध्य चौक में। तो इन मध्य चौक के वर्णन को देखा जाता है, ठीक इसी प्रकार से बाकी चौकों की शोभा आई है। अब इन एक चौक की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। ये चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये एक चौक है, एक चौक का निशान। हर दिशा में ये हरे रंग में जो दिखा रखे हैं 210 मंदिर, मैं इनको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, हर दिशा में 210 मंदिर। ये जो मध्य चौक आए हैं, इसको घेर कर जो दीवार आई है, 210 मंदिर आए हैं हर दिशा में। जैसे रंग महल की शोभा को दिल में लेवे, तो रंग महल की जो बाहरी दीवार है, बाहरी हर मंदिरों की है, 6,000 गिरकर जो मंदिर आए हैं, ऐसे ही इन चौकों की जो बाहरी दीवार है मंदिरों की है, हर दिशा में 210 210 मंदिर आए हैं। ये देखिए, हर दिशा में 210 मंदिर। इन मंदिरों से भीतर आते हैं तो एक गली, ये देखिए घिर कर एक गली की शोभा आ गई। इन गली के आगे 9 चौक, यहाँ 3 चौक दिखा रखे हैं, ऐसे 9 चौक घेर कर मंदिर, मंदिर के भीतर जाते हैं तो एक गली, 3 चौक यहाँ दिखा रखे हैं, ऐसे 9 चौक, 9 चौकों की 9 हारे, यहाँ पर 3 हारे दिखा रखी हैं।
पहली हार दूसरी तीसरी, ऐसे नौ चौकों की नौ हारे आई है। ये पहला चौक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये नौ चौक हुए। नौ चौकों की ये दूसरी हार हुई, ये तीसरी हार हुई, चौथी, ये पांचवी हार, छठी हार, सातवीं, आठवीं, नवीं। इस तरह से नौ चौकों की नौ हारें आई हैं। इन चार चौकों के मध्य एक-एक हवेली की शोभा, तो नौ चौकों की नौ हारों के मध्य आठ की आठ हार हवेलियां आ गई। ये जो चौरस निशान है, ये हवेलियों के निशान है। इन नक्शे में देखें, ये तो नौ चौकों की नौ हारें हुई और इनके मध्य ये आठ हवेलियों की आठ हारें आई, आठ हवेलियों की आठ हारें। तो नौ चौकों की नौ हारे और आठ हवेलियों की आठ हारे। अब इसमें चार कोने के जो चौक आए हैं, चार कोने के जो चौक आए हैं, ये दोपड़े के चौक हैं। ये चार कोने के चौक दोपड़े के चौक हैं। दोपड़े यानी दो रास्ते, ये देखिए इनके दो रास्ते जा रहे हैं। दो तरफ जुड़ाफे के मंदिर लग रहे हैं। जुड़ाफे के मंदिर दो मंदिर के तो चौड़े और आठ मंदिर के लंबे आए हैं। ये तो बड़े दरवाजे की शोभा है, दो मंदिर के चौड़े, आठ मंदिर के लंबे। जुड़ाफों के दोनों ओर त्रिपोलियों की शोभा आई है। तो दोपड़े अर्थात जिनके दो रास्ते, इन दोपड़े में खड़े हैं तो घेर कर नूरी थंबों की हार, नीचे गिलम सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा और थंबों को भराई के चंद्रमा की शोभा। अब दो दोपड़े के मध्य एक दिशा में, मध्य में रह जाएंगे सात त्रिपड़े। यहाँ एक त्रिपड़े का निशान है, ऐसे सात त्रिपड़े। इनमें देखिए, ये दो दोपड़े के चौक निकल गए, इनके मध्य ये सात त्रिपड़े रहे जिनके तीन रास्ते आए हैं। इनमें ये निशान देने की भी कोशिश की है कि तीन रास्ते, हर दिशा में सात सात त्रिपड़ा के चौक हैं, तो कुल त्रिपड़ा के चौक हो गए 28। इन त्रिपड़ा के चौक की शोभा देखिए, इनमें भी शोभा दोपड़े के समान ही है। घेर कर नूरमयी थंबों की हार, गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, थंबों को भराए के चंद्रमा। अब इनके तीन तरफ जुड़ाफे के मंदिर लग रहे हैं। जुड़ाफे के मंदिर अर्थात जहां पे दो मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखो, मंदिरों की एक हार, मंदिरों की दूसरी हार। तो ऐसे तीन दिशा में जुड़ाफे के मंदिर और तीन दिशाओं में रास्ते आए हैं। तो ये त्रिपड़ों की शोभा हो गई। चौपड़े की शोभा देखिए, सात की सात हार, कुल 49 चौपड़े आए हैं। इनके चार रास्ते आए हैं, चारों दिशाओं में रास्ते आए हैं। इन पिक्चर से देखें, ये देखिए सात जो नीले रंग में दिखा रखे हैं, सात चौपड़े, इन सात चौपड़ों की सात हारे, इनके चार रास्ते आए हैं। तो ये शोभा हुई, चारों कोनों में चार डोपडों की जिनके दो रास्ते, चारों कोनों के निकल गए, दो दोनों कोनों के निकल जाएंगे तो बीच में सात सात त्रिपड़ा रह जाएंगी। ये त्रिपड़ा के चौकों की शोभा हुई। हर दिशा में सात त्रिपड़ा के चौक रह जाएंगे उनकी शोभा, जिनके तीन रास्ते, दो थंबों की हार, तीन गली, एक दिशा में छह गली, तो ऐसे तीनों दिशाओं में छह छह गली। सात चौकों की सात हारे चौपड़ा आते हैं जिनकी चारों दिशाओं में रास्ते जा रहे हैं, और ये त्रिपोली है। ये शोभा हुई दोपड़ा, त्रिपड़ा और चौपड़ा। एक हवेली की शोभा देखते हैं तो घेर कर मंदिरों की हार, एक गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, चबूतरे पर सुंदर बैठक, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। घेर कर मंदिरों की शोभा, एक गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, उतरती सीढ़ियां। यहाँ पर अभी तक जो चौरस हवेलियों की शोभा देख रहे थे कि घेर कर मंदिरों की हार, फिर एक थम की हार, दो गली,
और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। लेकिन यहाँ पर शोभा जुड़ी है, यहाँ पर मंदिरों की हार, फिर एक गली और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। मंदिरों की हार के जस्ट भीतर एक गली के आगे ही चबूतरे की शोभा आई है। तो ये शोभा हुई नौ के नौ हार जो चौक आए हैं और आठ हार जो हवेलियां आई हैं उनकी। अब शोभा देखते हैं बड़े दरवाजों की। इन एक चौक की शोभा देखें, ये 210 मंदिर हैं, इनमें ये आठ बड़े दरवाजे। इन 210 मंदिरों में दरवाजों की शोभा आई है, लेकिन आठ बड़े दरवाजे आए हैं। जैसे हवेली की चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आते हैं, यहाँ पर हर दिशा में आठ बड़े दरवाजे आए हैं। अब इनकी शोभा देखते हैं। चौक की किनार से पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, चौक की किनार से, चौक की हद से लेंगे, यहाँ दक्षिण दिशा की तरफ चले या पश्चिम की तरफ चले, पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पे आया है। दूसरा दरवाजा 24 मंदिर के अंतर पर, दूसरा दरवाजा 24 मंदिर की हद पर, पहले दरवाजे से दूसरा दरवाजा, इन दोनों के बीच में 24 मंदिर का डिफरेंस है। इस तरह से आठ दरवाजे 24 24 मंदिर की हद पर आएंगे। आठवें दरवाजे से पुणे चौक की हद 17 मंदिर की है। ये शोभा कल भी देखी थी। देखिए, चौक की हद से पहला दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इनके मध्य 24 24 मंदिर की हद। आठवें दरवाजे से पुणे चौक की हद 17 मंदिर की है। इन दरवाजे के सामने खड़े हैं तो सामने 88 हाथ का सुंदर विशाल दरवाजा। इन दरवाजे को पार किया तो इन दरवाजे के मंदिर में आ गए। पुणे दरवाजा पार किया तो यहाँ पर दो थंबों की हार, तीन गलियां। फिर ये जुड़ापे के मंदिरों के मध्य में भी हमें दरवाजे मिलते चले जाएंगे। इस तरह से ये जो दरवाजा आया है 10 मंदिर का लंबा आया है। एक मंदिर का तो चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा। इस तरह से ये शोभा हमें नजर आएगी, एक मंदिर का तो चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा, एक के बाद एक अपने को मेहराबे मिलती चली जाएंगी। ये मेहराबों की शोभा आ रही है ना। ये जो बड़े दरवाजे आठ आए हैं ना, उनकी बात हो रही है। बाकी तो हर मंदिर में आपको चार दरवाजे मिल जाएंगे। ये जो बड़े दरवाजे, जिनको बादशाही दरवाजे कहें, मुख्य दरवाजे कहें, ये यहाँ पर एक मंदिर का तो चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा आया है। इनमें 23 मेहराबों की शोभा आती है। एक बार समझने के वास्ते ये शोभा देख ले। यहाँ खड़े हैं सामने 88 हाथ का दरवाजा, वो दरवाजा खुल गया। आगे गए एक मंदिर की हद पर, ये दरवाजा खुल गया, सुंदर मेहराब। ये दो मेहराबे हुई, फिर ये तीसरी मेहराब, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं। इस तरह से लंबाई में तो 11 मेहराबों की सुंदर शोभा, अगर मुंह ऊपर करके ये शोभा देखते हैं तो 11 मेहराबों की सुंदर शोभा। दाएं बाएं देखेंगे जो त्रिपोलियां आए हैं, इन त्रिपोलियों के दाएं बाएं तीन तीन मेहराबों की सुंदर शोभा। तो इन स्थान पर 6 मेहराबे और इन स्थान पर भी 6 मेहराबे। तो इस तरह से कुल 23 मेहराबों की यहाँ सुंदर शोभा आती है इन बड़े दरवाजों में। और ये दरवाजे हमें सीधा हवेली तक पहुंचाते हैं। आठ दरवाजों की नौ हारे पूरब से पश्चिम आई हैं। ये सभी दरवाजे हमें हवेली तक पहुंचाते हैं। ये देखिए, सीधा हवेली तक ले जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण भी आठ दरवाजों की नौ हारे, पूरब से पश्चिम भी आठ बड़े दरवाजों की नौ हारे इसमें आई हैं। यहाँ पे दो दरवाजे दिखा रखे हैं, ऐसे आठ दरवाजे, आठ दरवाजों की नौ हारे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी आठ। तो कुल 144 बड़े दरवाजों का बयान आता है। तो ये शोभा तो हमने कल भी करी थी। अब मैं इन दोपड़े के चौक की, 12,000 मंदिर कैसे हुए इन चौक में, उन शोभा को देखते हैं। एक बार समझने के वास्ते आप ये गिनती समझ लें। अगर थोड़ा सा भी बेसिक याद रह जाता है तो कभी भी आप इन गिनती को निकाल पाएंगे। अभी देखा था कि चौक की हद से पहला दरवाजा 17 मंदिर की हद पर है। पश्चिम की तरफ भी देखते हैं और दक्षिण तरफ भी देखते हैं तो 17 मंदिर की हद पर। और ये जो कोने का मंदिर है,
चारों कोनों के जो मंदिर हैं ये मंदिर गुर्ज हैं, ये मंदिर गुर्जों की शोभा लिए हैं, तो ये मंदिर में काउंट नहीं होते। तो 16 मंदिर ये गिने, 16 मंदिर ये गिने, इन मंदिर को छोड़ दें क्योंकि ये गुर्ज की शोभा लिए है। 16 मंदिर इस तरफ से, 16 मंदिर इस तरफ से। जुटाफे के मंदिर अभी शोभा देखी थी कि दो मंदिरों की 8 हारे, यानी एक जुटाफे के 16 मंदिर, दूसरे जुटाफे के भी 16 मंदिर। अब ये हवेली का कोना देखते हैं, इधर से 8 मंदिर और इधर से भी 8 मंदिर, ये मंदिर दोनों तरफ से गिना गया है, तो ये 15 मंदिर का कोना हुआ। तो इन्हें आप गिनोगे 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 और 15, तो कुल 79 मंदिर एक दोपड़े के निकल आते हैं। एक दोपड़े के 79 मंदिर कहे जाते हैं, ऐसे हमारे पास 4 दोपड़े हैं। अगर हमें ये याद है कि पहला दरवाजा 17 मंदिर की हद पर आया है, तो ये काउंटिंग आराम से कर सकते हैं। कोने का मंदिर छोड़ें, 16 मंदिर एक तरफ से लें, 16 मंदिर दूसरी तरफ से। दो रास्ते हैं तो दो तरफ जुड़ाफे के मंदिर हो गए 16 16, और एक हवेली का कोना लग रहा है, तो इन सबको काउंट करेंगे तो 79 मंदिर। नीता, ये शोभा बोलोगे आप? जी कोशिश करो। दीदी, हाँ कोशिश करो। कहाँ से बोलूं दीदी? हाँ कि इसको 79 मंदिर आप कैसे काउंट किए, बताइए काउंट करने का तरीका। हाँ जी दीदी, दोपुड़े के जो 16 16 16 मंदिर आए हैं दो साइड के। हाँ 17 17 मंदिर हैं, पर हम लेंगे 16 16 क्योंकि कोने का मंदिर छोड़ देंगे, ये गुर्ज है। हाँ जी, तो 16 16 मंदिर हो गए 32, और दोपड़े के जो 8 8 8 × 2 करके एक साइड में जुड़ाफा, 16। जुड़ाफा, इसको जुड़ाफा बोलते हैं। दो हाँ मंदिर जी, एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए इसको जुड़ाफा बोलते हैं, जुड़े हुए मंदिर अर्थात जुड़ाफा। तो ये दो हाँ मंदिर जी, एक साथ जुड़े हुए ना, दो मंदिरों की 8 हारे, तो 16 जुड़ाफा हो गया, तो ऐसे दो जुड़ाफे लग रहे हैं। जी तो 16 हो गए, और आगे 15 मंदिर, ये दोनों तो तरफ से आठ आठ मंदिर है, इसमें भी 8 8 कोने का मंदिर, मंदिर दोनों तरफ काउंट हो रहा है, तो ये 15 मंदिर का हवेली का 15। कोना। तो इसको 4 से × करना है ना दीदी, क्योंकि दोपड़ा चार हाँ 4 हैं, साइड चार में कोने। हाँ चार चार। है। हाँ अब दोपड़े के मध्य सात सात त्रिपड़े रहे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिपड़े रहे ना एक दिशा सेवन में, जी, ऐसे चारों दिशाओं में सात सात त्रिपड़े हैं। अब इन त्रिपड़े की चौक की गिनती करते हैं। शोभा देखी थी कि पहले बड़े दरवाजे से दूसरा दरवाजा 24 मंदिर के अंतर पर आया है। पहले दरवाजे से दूसरे दरवाजे की हद 24 मंदिर है, तो इधर से ये 24 मंदिर ले लेंगे। इन बड़े दरवाजे की हद 24 मंदिर है, तो यहाँ पर ये 24 मंदिर त्रिपड़े के कहे जाएंगे, और तीन जी जुड़ाफे हो गए और दो हवेली के कोने हो गए, तो 24 16 16 16 15 और 16 15, इन सबको 15। हाँ मिलाएंगे तो टोटल 102 मंदिर हो जाते हैं। जी, इन 102 मंदिरों को 28 से गुना करना है। हाँ जी, सुंदर साजी समझ में आ रहा है? टोटल कितने बताए आपने? इसके 102, देखो 24 बाहरी किनार पर, 24 तीन जुड़ाफे ले लिए, एक जुड़ाफे में 16 मंदिर हैं, तो 16 तीय ये ले लेंगे, और दो 15 15 हवेली के कोने हो गए, इन सबको मिलाएंगे तो 102 मंदिर। आप काउंट करके देख लो, 24 16 16 16 और दो बार 15, तो टोटल 102 मंदिर त्रिपुरा के मंदिर कहे जाते हैं। तो जी ऐसे दीदी, अपने पास 28 त्रिपुरा के चौक हैं। अगर ये तो याद टू है, थाउजेंड अगर हमें ये याद है कि जो दूसरा दरवाजा आया है वो 24 मंदिर की हद पर है, तो 24 मंदिर तो ये ले लेंगे। जुड़ाफे हमें मालूम ही है कि 16 16 है, हवेली 15 15 है, तो आराम से काउंटिंग निकल आती है। जी,
अब एक चोपड़े की काउंटिंग देखते हैं, जो 7 की 7 और कुल 49 चोपड़े हमारे पास हैं। तो 4 तो जुड़ाफे लग जी, रही हैं, 16 चौक कितने और हुए, 64। ऐसे ये हाँ जी 15 15 15 15 चार हवेली के कोने लग रहे हैं, ये जी 4 हवेली के कोने 15 चौके 60 किए हो गए। 60 हो गए वो। 60 प्लस 64 124 मंदिर इन चोपड़े के चौके कहे गए हैं। हाँ जी तो इसको करेंगे 49 से गुना। हाँ जी अब एक हवेली की शोभा देखते हैं। हर हवेली के चारों दिशाओं में हाँ जी 11 11 मंदिर आए हैं। कुल 44 मंदिर होने चाहिए, पर एक ये बड़ा हो गया दरवाजा हो गया जी। हवेली का। ये जो बड़ा दरवाजा है, इसके ठीक सामने हवेली का बड़ा दरवाजा आया है। तो हमारे पास एक हवेली के 43 मंदिर हैं। तो ऐसे हमारे पास 64 हवेलियां हैं। तो इनको 64 से गुना करना है। तो एक दोपड़े को, 4 दोपड़ों को 79 मंदिर से गुना करें। एक दोपड़े के 79, ऐसे 4 दोपड़े हमारे पास हैं। त्रिपड़ा 102, ऐसे 28 त्रिपड़े। चौपड़े जी 124, इसको 49 से। हवेलियों के 43 मंदिर, इसको 64 64 से। 64 हवेलियां ना, 12,000 इन जी सबको गिनेंगे तो हमारे पास 12,000 शयन के मंदिरों की काउंटिंग हो जाएगी। हाँ जी और ठीक मध्य का जो चौक है, हमने देखा था 9 चौकों की 9 हारे। तो ठीक मध्य का जो चौपड़ा है, उसके अंदर रंग परवाली मंदिर की शोभा आई है। ये देखिए, 9 चौकों की 9 हारे। ठीक मध्य का जो चौपड़ा है, ये ठीक मध्य का चौपड़ा है, इसकी किसी भी दिशा में देखते हैं तो 4 4 चौक है। ठीक मध्य पॉइंट, यहाँ पर रंग परवाली मंदिर की शोभा आई है। ठीक मध्य चौपड़ा जो है, ठीक मध्य का चौपड़ा, उसमें 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग परवाली मंदिर आया है। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा हर दिशा में, इनमें बिल्कुल जो धाम दरवाजे की शोभा थी, ठीक उसी तरह से 88 हाथ का नूरमयी किवाड़ की शोभा, और दाएं बाएं 56 56 हाथ की दीवार, जैसे धाम दरवाजे की शोभा देखी थी, ठीक उसी प्रकार से 88 हाथ के तो सुंदर शोभा लिए दरवाजे होंगे, बादशाही शोभा से भी कोटकोनी शोभा लिए, और दाएं बाएं 56 56 हाथ की दीवार, ऐसे चारों दिशाओं में। अब इनके ठीक सामने ये 2 मंदिर की मेहराब आई, क्योंकि हमारे पास 2 मंदिर की जगह है, तो हर दिशा में ये बड़ी मेहराब जो दिखा रखी है, ये 2 मंदिर की मेहराब शोभा ली है। इनके ठीक सामने देखो, ये जो जुडाफे के मंदिर हैं, इनमें भी एक बड़ी मेहराब आ गई है। इन मेहराब में 2 मंदिर शामिल हैं, पर आमने सामने बड़ी मेहराबों की सुंदर शोभा है। इन मंदिर की, 2 मंदिर की बड़ी मेहराब, ठीक सामने इन जुडाफे के मंदिरों की भी बड़ी मेहराब। तो आमने सामने ये मेहराबें सुंदर छलकार करती हैं। और इन रंग परवाली मंदिर की 3 परिक्रमा कही जाती हैं। ये पहली परिक्रमा बिल्कुल नजदीक, हमारे पास 8 मंदिर बाय 8 मंदिर का ये लंबा चौड़ा चौक है। ये जो चौक देखे हमने, दोपड़े त्रिपड़े चौपड़े, ये 8 मंदिर के लंबे चौड़े लगभग हैं। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारे पास ये रंग परवाली मंदिर हो गया। तो हर दिशा में 3 3 मंदिर की जगह रही, 1 मंदिर की घेर कर, तो ये नजदीकी परिक्रमा हरे रंग में, ये थोड़ी सी दूर, और ये किनार की परिक्रमा। ऐसे 3 परिक्रमा रंग परवाली मंदिर की कही जाती है। ये रंग परवाली मंदिर की शोभा, ये देखिए, बड़ी मेहराब, 88 हाथ का सुंदर दरवाजा, दाएं बाएं 56 56 हाथ की दीवार। तो इनके ठीक सामने ये जो जुडाफे के मंदिर आए हैं, उनमें भी इसी तरह की मेहराब की शोभा आएगी। तो आमने सामने ये मेहराबें सुंदर छलकार करती हुई। और इन मंदिर के भीतर जाते हैं तो सुख सज्जा, हिंडोलों की सुंदर शोभा, सुख सुविधा का सभी साजो सामान इन मंदिर में उपस्थित। ये मंदिर श्यामा जी का मंदिर कहा जाता है। नूर देखो फोम पांचवी, जित मंदिर नूर सीज, 12,000 मोहल नूर के, सब नूरे रेजा रेज।
सुंदर सा जी पांची भूम की शोभा को देखे, उनके नूर को देखे। जहां पर नूरी सेज्या से युक्त सुंदर नूरमयी मंदिर है, सखियों के शयन के मंदिर। 12,000 मोहलाते नूर की, नूरे नूर रेजा रेज स्तर से सुंदर शोभा। और ठीक मध्य चौपड़े में रंग परवाली मंदिर की सुंदर शोभा, श्यामा जी के मंदिर की सुंदर शोभा। क्वेश्चन है दीदी, जैसे ये मध्य वाली चौक है ना, जो रंग पर वाली, ये 9 चौक में से बाकी दूसरे चौक में भी ऐसे ही शोभा आई है बीच में? नहीं, रंग परवाली के मंदिर की शोभा सिर्फ इसी चौक में है, मध्य चौक में। जो 3 चौकों की 3 हारे हैं, जी ये जो 3 चौकों की 3 हारे हमारे पास हैं, रंग परवाली मंदिर की शोभा सिर्फ मध्य चौक में है। बाकी 12-12 हजार मंदिर सभी चौकों में है, लेकिन ये रंग परवाली मंदिर की शोभा सिर्फ मध्य चौक में है, जहाँ शयन की लीला होती है। हवेली में क्या होता है माता जी? ये हवेली जो आई है, इसमें ये घेरकर मंदिर, ये मंदिर भी तो शयन के मंदिरों में काउंटिंग हो गए, 12,000 मंदिरों में। भीतर जाते हैं गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, सुंदर शोभा। तो यहाँ पर श्री राज श्यामा जी और सखियों की सुंदर बैठक, बैठक की शोभा ही होगी ना, जब कभी हास विलास करने का मन है, आपस में एक साथ बैठना है, आरोहणी की लीला करनी है, तो इन चबूतरे पर होती होगी। ये जो जुड़ाफे की मंदिर आई है ना दीदी, उनमें कितने दरवाजे आए हैं? हर मंदिर में देखने के तो 4 ही दरवाजे हैं, इसे एक मंदिर में खड़े हो तो हर दिशा में दरवाजा मिलेगा। लालदास माझी की वृत्ति में ये लिखित है कि इनके हर जी, मंदिर में 4-4 दरवाजे हैं, तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा सकते हैं ना आराम दीदी? से। तभी तभी सरकार श्री जी ने ये शोभा बताई थी ना, ये जो हाँ शोभा जी, का वर्णन हुआ कि आसानी से कैसे जाते हैं। सरकार श्री जी ने एक चर्चा में बोला था कि सीढ़ी वाले मंदिर से उत्तर दिशा में निकले, मध्य गली से नाक की सीध में भागते चले जाओ। सामने जो मंदिर मिला उसमें भी 4 दरवाजे हैं, आगे जो मंदिर मिलेंगे 4 दरवाजे हैं, एक के बाद एक दरवाजों से निकलते चले जाओ गलियों से, और सीधा जाके रंग परवाली मंदिर से टकराओगे। सीधा रास्ता है ये, क्योंकि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं, तो कहीं अटकाव नहीं होगा। जैसे इस मंदिर से एंटर किया हमने, जी सामने ये चौक आ गया, इधर से त्रिपोलिया पकड़ लो, भागते चले जाओ सीधा रंग परवाली मंदिर से जाके तो टकराएंगे। नहीं, हाँ जी, अब बड़े रास्ते की शोभा देखते हैं। जब पंचमोहले को पार करके 28 मंदिर की फुलवाड़ी में आते हैं, चौरस हवेली का फिरावा, गोल हवेली, 8 फिरावे चौरस गोल के हो गए, नवा फिरावा पंचमोहले का हो गया। पंचमोहले पार करते हैं 28 मंदिर की फुलवाड़ी, तो हमारे सामने 630 मंदिर की दीवार है, और हर चौक में 8 आठ यानी 24 मंदिर आए हैं। तो 12वां और 13वां जो मंदिर है ना, उनमें से किसी एक मंदिर से हमें भीतर जाना है, तो हम इस 13वें मंदिर से भीतर जाएंगे। 8 इंच चौक के और 4 इंच चौक के इन 13वें मंदिर से भीतर जाना है। ये रसोई की हवेली माने पांचवी भूमि में, ये उत्तर दिशा में निकल आए, मध्य त्रिपोलिये से आगे जा रहे हैं। चौरस हवेली, गोल, चौरस गोल, ऐसे 8 फिरावे चौरस गोल के पार कर लिए, नवा फिरावा ये पंचमोले का। यहाँ पर 28 मंदिर की फुलवाड़ी, तो इन स्थान पर खड़े हैं सामने 3 चौक आपस में जुड़े हुए। 630 मंदिर की दीवार, एक चौक में 8 बड़े दरवाजे, दूसरे में भी 8 और इसमें भी 8, 24 दरवाजे हमारे सामने हैं। तो ठीक मध्य में 12वां और 13वां लगेगा, तो हम 13वें दरवाजे से भीतर चलेंगे। ये जो दरवाजा है इनसे भीतर चलेंगे। यहां तक ही क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी ये सामने हमारे 13वां दरवाजा है, 88 हाथ का सुंदर दरवाजा। इनको पार किया, मंदिर में आए, फिर मंदिर, क्या 88 क्या?
88 हाथ का मतलब बड़ा दरवाजा है, जैसे धाम दरवाजे की शोभा देखी था ना विशाल, तो यूं समझ ले कि विशाल दरवाजा है यहाँ पर, ठीक है। कि बड़ा दरवाजा, दो दरवाजे एक के बाद एक बड़े मिलेंगे, इनको पार कर लिया, फिर ये गली पार कर ली, दूसरी गली में आधा ही आएंगे, इन मंदिर को पार किया, फिर डेढ़ मंदिर चले, फिर अंदर उत्तर की ओर चलेंगे 10 मंदिर, ये 10 मंदिर चले तो ये हम आ गए त्रिपुरा के चौक में, पहले त्रिपुरा के चौक में आ गए। अब यहां से हमें पश्चिम की ओर चलना है, पश्चिम की ओर चलना है, अब दूसरा चौक आएगा चोपड़े का चौक, इन शोभा को यहां से देखते हैं, ये देखे भीतर गए, डेढ़ मंदिर चले, उत्तर दिशा में चले, ये पहला चौक, ये पहला त्रिपड़े का चौक, अब सीधा आगे चलते जा रहे हैं, ये चौपड़े का चौक, दूसरा चौपड़े का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो इस तरह से इन त्रिपड़े समेत ये 8 चौक हो गए और ये 9वें चौक में आ गए, इन त्रिपड़े के चौक में आ गए। एक बार शोभा वापिस से दिखाती हूँ, मंदिर से भीतर गए, डेढ़ मंदिर चले, उत्तर दिशा में 10 मंदिर, ये त्रिपड़े के चौक से सीधा गली मिल जाएगी, चलते चले जाएंगे, तो इस चौक का जो अखीरला त्रिपड़े का चौक है, उस चौक में खुद को देखेंगे, इस चौक में खुद को देखेंगे, दोनों चौक त्रिपड़ा के चौक हैं और बीच के 7 चौक हैं चौपड़े के, तो हमने ये दरवाजा पार किया, डेढ़ मंदिर चले और फिर उत्तर दिशा में घूम गए, इन पहले त्रिपड़े के चौक में आ गए, अब इसको पार करते हुए आखिरी त्रिपड़े के चौक में जब आएंगे, तब की शोभा दिखा रही हूं, ये आखिरी त्रिपड़ा के चौक में आ गए, 9वें त्रिपड़ा के चौक में, इसको यहां से देखेंगे तो इजी रहेगा समझना, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ अच्छे से, ये देखो अब शोभा क्लियर नजर आ रही होगी, इन मंदिर से भीतर गए, डेढ़ गली चले, उत्तर दिशा में 10 मंदिर चले, ये तो पहले त्रिपुरा के चौक में आ गए, यहाँ पे हमको दो थंबों की हर 3 गली मध्य गली से चलते चलना है, बीच बीच में ये चौक आएंगे, ये चौपड़े का चौक, दूसरा चौपड़े का चौक, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब ये जो 9वां चौक आया, एक त्रिपड़े का चौक पहले देख चुके हैं, 9वें त्रिपड़े के चौक में हम पहुंच गए, अब यहां से दक्षिण हाथ को घूमना है, जब भीतर आए थे तो हम उत्तर हाथ की ओर घूमे थे, उत्तर दिशा में घूमे थे, और जब इन चौक इन दोपड़े में त्रिपड़े में पहुंचेंगे तो दक्षिण की तरफ घूमेंगे, 10 मंदिर चलेंगे, फिर डेढ़ मंदिर चलकर इन मंदिर को पार करेंगे और फिर इस दूसरे मंदिर को पार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मंदिर एक साथ लगे हुए हैं, 2 दरवाजे, इन शोभा को यहां से देखें, दक्षिण दिशा में चले, ये पहले मंदिर का दरवाजा पार किया, ये दूसरे मंदिर का दरवाजा पार किया, क्योंकि 2 चौक आपस में जुड़े हुए हैं ना, फिर उत्तर दिशा में घूम जाएंगे त्रिपड़े के चौक में और यहाँ मध्य से चलते चले जाएंगे और जो चौथा चौपड़ा आएगा उसमें रंगपरवाली मंदिर है। दीदी पता है कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, सब सुनो साथ को। ये जो 9 चौक हो गया तो, और एक चौक के अंदर भी 9 चौक है ना, वो समझ वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है। ये 3 चौकों की 3 हारे, ठीक है, हमने इस 1.5 चौक को पार करना है और इस रंगपरवाली मंदिर में पहुंचना है, 3 चौकों की 3 हारे हैं हमारे पास और 1.5 चौक को पार करना है, ये जो 3 चौक है इसको 3 महावेलियां कह दें, 3 महावेलियों की 3 हारे, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, 3 महावेलियों की 3 हारे, तो 1.5 महावेली हमने पार करनी है तो इन रंगपरवाली मंदिर में पहुंचेंगे, तो यहां से जब शुरू करते हैं, इन बड़े दरवाजे से भीतर गए, उत्तर दिशा में घूमे, एक मध्य गली मिल जाएगी, उसको चलते जाना है, पहली महावेली जहां पार होगी, यहाँ पे जो आखिरी टुकड़े का चौक आएगा उससे दक्षिण हाथ को घूम के
फिर यहाँ पे दोनों इंच चौक के भी और इंच चौक के भी दोनों मंदिरों की हारें आपस में मिली हुई हैं। तो दो मंदिर पार करेंगे, फिर 1.5 घड़ी चलकर इन मध्य चौक में आ जाएंगे और यहाँ से सीधा रंगपर वाली मंदिर, जैसे 13वें दरवाजे से भीतर गए, 1.5 गली चले, 10 मंदिर उत्तर दिशा में, ये त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब मध्य गली से आगे जा रहे हैं, यहाँ पे एक चोपड़ा दिखाया है, ऐसे 7 चोपड़े हमने पार किए। पार करते हुए आगे चल रहे हैं, इन त्रिपुरा के चौक में आ गए, पहले चौक का जो आखिरी त्रिपुरा का चौक है वहां पर आ गए। यहाँ से दक्षिण हाथ को 10 मंदिर चले, 1.5 मंदिर चलकर इन चौक की, ये मंदिर की शोभा पार करी। इन्हीं के साथ लगता है ये दूसरा मंदिर है, यहाँ पिक्चर में डिफरेंस है पर डिफरेंस नहीं है, दोनों मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। इन दो मंदिरों को पार किया, 1.5 मंदिर चले, फिर उत्तर दिशा में 10 मंदिर इन त्रिपुरा के चौक में आ गए। चलते चलते 3 चौक पार करेंगे, चौपड़े के चौथे चौपड़े के चौक में रंगपर वाली मंदिर की शोभा है। ये हमारे पास हाँ तीन महाहवेलियों की तीन हारे, तीन बड़े चौकों की तीन हारे, 1.5 चौक को पार करना है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है कि दरवाजा पार करते ही 1.5 गली चलना है, फिर 10 मंदिर उत्तर दिशा में इन त्रिपुरे के चौक में आ गए। उसके बाद तो सीधा चलते ही जाना है, इन चौक के किनार पर जब पहुंचोगे तो पुनः अपने को त्रिपुरा का चौक मिलेगा। यहाँ से दक्षिण हाथ को घूम जाओ, यहाँ हम उत्तर दिशा में घूमे थे 10 मंदिर, यहाँ पे दक्षिण दिशा में 10 मंदिर, और फिर यहाँ से चलते जाएंगे, 1.5 मंदिर चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 मंदिर, 2 दरवाजे साथ में लगे हुए हैं, इनको पार करना है। फिर 1.5 गली चलेंगे, फिर उत्तर दिशा में 10 मंदिर, और फिर यहाँ से चलते जाएंगे, ये देखो 3 चोपड़ा के चौक पार करेंगे, चौथे चौपड़े के चौक में रंगपर वाली मंदिर है। त्रिपुरे के 13 मंदिर से हम 1.5 मंदिर आगे का जाके उत्तर में 10 मंदिर उत्तर में दस मंदिर आए जल्दी। हाँ और सीधा आगे चले गए ना, हाँ चलते सीधा ही हो चलते गए, चलते चले सीधा। आगे आगे गए गए और जाके वहां जहाँ अंतिम त्रिपुरे थे वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए ना। उसके बाद फिर वहां कंफ्यूजन हुआ। यहां से अब अपने को दक्षिण तरफ चलना है, यहाँ अपन उत्तर तरफ चले थे ना, यहाँ अच्छा दक्षिण तरफ घूमना है, दक्षिण, हाँ ठीक है। दक्षिण तो तरफ फिर घूमना है। इस शोभा को मैं इधर से दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, ये देखो अब ये दक्षिण तरफ घूमना है, दक्षिण तरफ घूमे, 1.5 मंदिर चले, फिर ये इन चौक का दरवाजा पार किया, फिर साथ में जो दूसरा चौक लग रहा है उसका दरवाजा पार किया। दो दो मंदिर इकट्ठे लग रहे हैं ना, दो मंदिरों की हारे, तो इन दो दरवाजों को पार किया, फिर 1.5 गली चले, अब यहां से वापस उत्तर दिशा में चलना है। फिर उत्तर आए ना। हाँ फिर उत्तर, अब यहां से सीधा चलते जाएंगे तो 3 चौपड़े पार करके चौथे चौपड़े में रंगपर वाली मंदिर है। ठीक है, बड़ा प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिया जी तुम होते सी की जियो मैं अर्ज करूं, मेरे पीओ जी हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जिवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस विरानी तो करो जो कोई दूसरा हो जी, सब विदुपिया जी समरथ दिन रैं जात
रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर दी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। पुकार पिया मेरी सुन के, ढील करो अब जीन जी, किन किन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुलहीन जी। इतियरज मैं तो करो जो आड़ी भई अंतराए जी, तो आड़ी अंतराए ताली के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दूल्हिन पिया ओ न जानो बात जी, इश्क सो से वा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ सो बात जी, महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम हो तैसी जियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीयू जी, मैं अर्ज करूँ मेरे पीयू जी, मैं अर्ज